एनईडी के पास सिंपल ये सोल्यूशन में मैं अब टॉपिकल चल रहा हूँ। अब वेक्टर के जितने सवाल आते हैं मैथ से या फिजिक्स से जो भी आए वो मैं करा रहा हूँ। फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हूज थ्री एजेस आर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड के सवाल ज़रूर आता है। अब देखें, आई का क्वेश्चन टू है, जे का माइनस थ्री है, के का फोर है। आई का वन है, जे का टू है, के का माइनस वन है। आई का थ्री है, जे का माइनस वन है, के का टू है। इसको डिटरमिनेंट निकाल लें, जो भी आंसर आएगा वही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होगी। अगले में कह रहे हैं फाइंड द कॉन्स्टेंट ए सच दैट द 2i माइनस जे प्लस के आई प्लस 2j माइनस 3k एंड 3i प्लस aj प्लस 5k आर कोप्लेनर। यार अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जीरो, अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जीरो हो तो वेक्टर कोप्लेनर के नाते, यानी अब इसका मतलब है कि हम इस डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल पुट करके ए की वैल्यू निकाल देंगे। आई का क्वेश्चन टू, जे का माइनस वन, के का वन। आई का क्वेश्चन वन, जे का टू, के का माइनस थ्री। आई का क्वेश्चन थ्री, जे का ए, इसका फाइव। ओपन कर लेंगे, ए हमारे पास आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आ जाए जनाब एक और क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट बड़ा अहम होता है। पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं और पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है, याद रखो, बी में से ए को माइनस करना। बी का आई क्वेश्चन क्या है, टू। ए का क्या है, वन। टू में से ए माइनस करोगे, आई आ जाएगा। हाँ जी, जे का क्या है, माइनस फाइव। आई का क्या है, माइनस थ्री। माइनस माइनस हमें पता है प्लस हो जाता है, माइनस फाइव में से जब माइनस थ्री करेंगे तो ये आएगा माइनस टू, यानी माइनस टू। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने को कह रहे हैं तो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर होता है। वन प्लस फोर फाइव हो जाएगा। तो एक बात जहन में रखो, फाइव रूट में, ठीक है जी। ये जो हमारे पास सिचुएशन है, मॉडुलस है चूँकि, इसलिए नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कह रहे हैं ए की वैल्यू निकालें अगर ए और बी वैक्टर परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं जब थीटा उनमें 90 हो, या उनका ए डॉट बी किसके इक्वल हो, जीरो के, यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो के। तो देखो यहाँ आई टू है, यहाँ थ्री है, टू थ्री ज़ा सिक्स हो जाएगा। जे थ्री है, जे टू है, टू थ्री ज़ा सिक्स हो जाएगा। के माइनस टू है, के टू है, माइनस फोर हो जाएगा। इसको किसके इक्वल ले लेंगे, जीरो के। ट्वेल्व माइनस फोर है, जीरो का मतलब है इन दी एंड ए की वैल्यू थ्री आ जाएगी। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहे हैं ए क्रॉस बी, वो हम जब लेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएंगे, ऑप्शन ये दिए हमें। क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे अहम बात याद रखें कि आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जे होता है, ठीक है जी। इस बात को जहन में रखें, और जब भी हम ये सेम ले लेंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इनका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के। यहाँ पे देखिए आपको एक फोर सी भी है और डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं वन कॉमा वन से फोर कॉमा फाइव तक जा रहा है, तो आपसे कह रहे हैं कि उस सूरत में वर्डन निकालें। वर्डन डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डॉट डी के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स दो दिए हैं, तो जब भी दो पॉइंट दिए हुए होंगे तक को सेकेंड में से हमेशा फर्स्ट को माइनस करेंगे। फाइव माइनस वन क्या हो जाएगा, फोर, ये हमारा जे पॉइंट हो जाएगा। फोर माइनस वन क्या हो जाएगा, थ्री, ये मेरा आई पॉइंट हो जाएगा। मेरे पास ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट थ्री आई प्लस फोर जे। फोर्स कितनी दी हुई है, टू आई प्लस फाइव के। इसका आई इसके आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू थ्री सा कितना होता है, सिक्स। फोर फाइव सा कितना होता है, ट्वेंटी। सिक्स प्लस ट्वेंटी, ट्वेंटी सिक्स, ये इसका बर्डन आ गया। तो टोटल यही सवाल थे, इन्हीं में कुछ वैल्यूज आगे पीछे उन्होंने कर दी थी जो रिपीट की थी। यानी इस टाइप के टोटल क्वेश्चन हैं जो एनईडी के टेस्ट में आए, मैथ्स इंक्लूडिंग फिजिक्स। दैट्स ऑल।